We have a very special guest on Rep Sports, and he is none other than Kuldeep Yadav, the man who has played an integral part in India winning that T20 World Cup. Kuldeep, obviously, has it sort of sunk in the World Cup win? Obviously, a lot of felicitations, obviously, that open bus ride in Mumbai, the felicitation you got in Mumbai, and meeting the chief minister, obviously, mm -hmm. also meeting the prime minister, has it sort of sunk in? no i really want to enjoy a few more days you know <laughs> uh, it's a it's a amazing feeling and uh, i've been playing for eight years and this is the first time i got the opportunity to lift the world cup trophy and uh, everyone is very happy uh, so i am you know so so I, i'm enjoying my time at home at the moment and uh,

काफ़ी टाइम देने के लिए आई I मीन mean, बहुत आ, बिजी स्केड्यूल से अपना काफ़ी वक्त दिया हमें पूरी टीम को और बहुत कुछ डिस्कस किया बहुत कुछ बातें की और सबसे बात की और क्रिकेट की आ, फाइनल के बारे में पूरे जर्नी के बारे में बात की ऑब्वियसली बहुत खुश थे वो और आ, हम लोग भी बहुत खुश थे और मेरे से भी बात की काफ़ी और देश का दीप ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा सुन के क्योंकि आ, आप कंट्री के लिए खेलते हैं और आ, और मुझे बहुत पसंद आया नाम देश का दीप मतलब ऑब्वियसली आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आप हर चीज कंट्री से रिलेटेड होती है तो बहुत अच्छा लगता है बहुत प्राइड की बात होती है और देश का दीप बहुत अच्छा नाम है या कुलदीप ऑब्वियसली मेरा आकड़ा सवाल है हाउ डू यू डिस्क्राइब द जर्नी क्योंकि ये जो पूरा सफर रहा क्योंकि राइट फ्रॉम दैट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द वार्म अप गेम टू दैट Incredible final win against South Africa at the Kensington Oval. So, how do you sum up the journey? I guess the journey start, uh, start started from uh, from when we played in South Africa, the T Twenty series. You know, after the World Cup, you know, that World Cup was uh, very good for us. And uh, although we couldn't uh, uh, make in the final, I mean, we we obviously played the final, but uh, couldn't leave the trophy. उसका बहुत ज़्यादा फील हुआ ओबियसली बहुत मुश्किल था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप कप नहीं जीते तो बड़ा बहुत मुश्किल था हमारे लिए एज ए टीम और बहुत ज़्यादा ऐसे डेस्परेशन थी कि आईसीसी ट्रॉफी वर्ल्ड कप तो जीतना है क्योंकि इतना क्लोज पहुंच गए थे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में तो था कि अभी जीतना है और जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और बहुत सारी दो तीन हमने सीरीज की बाइलेट्रल सीरीज खेली ऑब्वियसली बहुत बहुत प्लान सबके बहुत क्लियर थे सबका रोल टीम में बहुत क्लियर था कि आपका रोल क्या है टीम में और जब हम जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट किए तो सब अपने रोल से बहुत क्लियर थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे सबको अपने रोल पता थे और जो हम अप्रोच की बात करते हैं जिस अप्रोच से हम खेले वो वाकई बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं कि इवन न्यूयॉर्क में बैटिंग थोड़ा बहुत मुश्किल था बट बट उसमें बॉलर्स ने बहुत अच्छा सब बहुत अच्छी बॉलिंग की और बॉल बैट बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ था रन बनाना क्योंकि विकेट वैसा था बट जिस तरह से हमने देखा कि रन बनाए और चेस किया जिस तरह से हमने पाकिस्तान वाला गेम निकाला तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बिलीव आता है टीम में कि हम किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं और फिर से अप्रोच से हम जब वेस्ट इंडीज़ पहुँचे तो हम उसी अप्रोच से बैटिंग की और एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत क्लियर था हमारा प्लान क्या है जो जो मिडिल ओवर में बॉलिंग कर रहा था उसका अलग प्लान था जो न्यू बॉल और डेथ में बॉलिंग करा उसका प्लान अलग था तो सब कुछ ओवरऑल पूरा टीम का जो रोल uh, डिसाइडेड थे उस पर उन्होंने सब, सब एक, एक उतरे और उसी हिसाब से हम अच्छी परफॉर्म करें कुलदीप जैसे कि कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि क्योंकि वो जो 50 of World Cup हम हारे obviously हमने पूरा लगातार जीत के फाइनल पहुंचे चलते हम हार गए थे वो फाइनल. और आप भी वो फाइनल में खेले थे वो मैच तो वॉज देयर अरेशन जैसे कि कैप्टन ने कहा बिल्कुल बहुत ज्यादा डेस्पिरेशन थी ट्रॉफी जीतने की क्योंकि क्योंकि एक बार आपको जब चढ़ जाता है दिमाग की आप इतना क्लोज पहुंच गए ट्रॉफी नहीं उठा पाए तो आपको लगता है कि इतनी अच्छी टीम है और बहुत ज्यादा डिस्परेशन रहती है कि नहीं हमें ट्रॉफी जीतनी है तो जो एक हंगर होता है सब में वही फील्ड पे काम आता है अब जब जबकि जब मुश्किल परिस्थितियां होती हैं तो जो हंगर जो बिलीव रहता है एक दूसरे के लिए वो बहुत काम आता है शायद इसकी वजह से हम फाइनल में जब हम जैसे स्टेज पे पहुंच गए थे बट हमें सब पे बिलीव था और जो हंगर था कि हमें जीतना है तो वो शायद कहीं ना कहीं आपसे एक स्टेप आगे काम करवाता है और उसकी वजह से ही हम जीते हैं। और डेस्परेशन जो भी खेला मतलब सब में ही था आई मीन कैप्टन से लेके सीनियर प्लेयर जितने थे और जो भी वर्ल्ड कप खेला था ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड कप खेला था उसके अंदर था कि मुझे इस टीम को आगे लेके जाना है और मैं टीम में जिस तरह की हमारी टीम है हम आराम हम हम मेहनत करेंगे ऑब्वियसली हम एक दूसरे पे बिलीव रखेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं कुलदीप uh, मैंने मैंने नोटिस किया सबने नोटिस किया आप आप हमेशा एक स्पेशल बॉन्ड है आपका कैप्टन रोहित शर्मा के साथ तो कैन यू डिस्क्राइब द कैमरेडरी दैट यू शेयर अमंग बोथ ऑफ यू ऑब्वियसली और रोहित ने जिस तरह से आपको हमेशा बैक करता रहा क्योंकि जब आपका इंजरी हुआ यू आर स्ट्रेट अवे ड्राफ्टेड इनटू द प्लेइंग इनटू द टीम तो ये जो हमेशा सपोर्ट रहा कैप्टन का उसके बारे में थोड़ा बताइए बिल्कुल अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं मेरे हिसाब से और उनका हमेशा प्यार रहा है और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी स्किल पे बहुत बिलीव है उन्हें शायद मुझे कभी एक वक्त था जब मुझे अपनी स्किल पे उतना भरोसा नहीं था और शायद जो चेंजेस मैंने अपनी बॉलिंग में किए वो शायद वो मुझे ट्वेंटी से मुझे बोल रहे थे कि ये चेंजेस करने चाहिए तुझे क्योंकि वो जब वो बैटिंग करते तो उनको लगता था कि शायद ये तू चेंजेस करेगा तो शायद बैट्समैन को और प्रॉब्लम होगी तो वो मैंने जब इंजरी के बाद में वो चेंजेस किए तो उसके बाद से जब मैं वापस टीम में आया तो फिर वो बहुत बॉलिंग को लेके बहुत शॉर्ट थे कि हाँ ये मुझे चाहिए था और आ, और बिल्कुल भाई बड़े भाई जैसे हैं बहुत प्यार करते हैं और आ, बहुत क्लियर हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जो भी उन्हें कुछ चाहिए होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि मुझे ये तेरे से चाहिए मुझे ये कुछ करना है बिल्कुल मेरा प्लान भी यही था कि मुझे मिडिल ओवर में विकेट निकाल के देने टीम को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे वो कि मुझे अटैकिंग स्पिनर की तरह तुझे यूज़ करना है आ, वही उनका एक प्लान था और वही वो हमेशा वो बोलते थे कि जब भी तू बॉलिंग करेगा तो मुझे मुझे तेरी अप्रोच में अटैकिंग होना चाहिए कि मुझे विकेट निकाल के देने टीम को तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और बिल्कुल बहुत आ, सपोर्ट उन्होंने किया है टफ टाइम में सपोर्ट किया है आ, अब उतना बॉलिंग के बारे में उतना बात नहीं करते क्योंकि बॉलिंग उनको अभी बहुत लगता है कि हाँ बेस्ट चल रही है बॉलिंग में उतना बात नहीं करते ऑब्वियसली बैटिंग पे वो फोकस ज्यादा करते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बोलते हैं कि बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो भी मैं काम कर रहा हूँ बट हाँ बड़े भाई जैसे हैं और बहुत प्यार करते हैं और शायद जो शायद वर्ल्ड कप भी जो था हमें हमारे हमें था कि शायद जो दो सीनियर प्लेयर हैं आप शायद इसके बाद खेलेंगे नहीं टी ट्वेंटी तो उनके लिए भी हमें करना है कि जो उनकी ड्रीम है कि हम अच्छे अच्छी तरह से फेवल

नहीं बहुत चिल्ड आउट रहता था मैं। मैं जितना सोचता नहीं हूँ अभी बिल्कुल तो उसके बारे में सोचता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ तब मैं मेरे प्लान्स अलग होते हैं आ, मुझे पता था की न्यूयॉर्क में विकेट थोड़ा सीमस है तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगी और उतना मुझे कोई इतना था नहीं टीम कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है जब वेस्ट इंडीज पहुंचा तो हाँ काफी टाइम से मैं मैच नहीं खेला था जब मैं अफगानिस्तान के साथ फर्स्ट मैच खेला था मैं वो मेरा रिदम इतना अच्छा नहीं था मेरा पहला ही बॉल लो हो गया था तो रिदम नहीं आ रहा था मेरा बराबर बट हाँ पहले ओवर के बाद थोड़ा रिदम सेट हुआ फिर उस मैच के बाद से फिर पकड़ लिया था मैंने रिदम और ऑब्वियसली सारे मैच में फिर अच्छा रिदम रहा तो नहीं मैं अपने स्किल पर मुझे थोड़ा बिलीव ज्यादा है अब मैं अपने आप को ज्यादा बैक करता हूँ और थोड़ा बहुत क्लीन रखता हूँ और हमेशा अपनी बॉलिंग को ये सोचता हूं कि मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए इस कैसा विकेट है उसको बैट्समैन को रीड करके बॉल डालता हूँ और ऑब्वियसली विकेट को समझता हूँ कि विकेट कैसा है कहीं स्लो ट्रैक है कहीं तेज ट्रैक है तो उसके हिसाब से लेंथ वेरी करता हूँ तो यही प्लान था मेरा ज्यादा 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 कोई आ, प्लान चेंजेस नहीं मैंने। कुलदीप आपके रोल के बारे में आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा आपने वो कर दिखाया तो आपने रोल के बारे में ऑब्वियसली ब्रेकिंग दोस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स गिविंग द मिडिल ओवर्स थोड़ा अपना रोल 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 के बारे में बताइए बिल्कुल एज अटैकिंग स्पिनर आप हमेशा सोचते हो कि विकेट निकाले जाए जब भी आप बॉलिंग पे आए मिडिल ओवर में तो मेरा रोल बहुत क्लियर था मैं विकेट निकाल के दो विकेट निकालने के लिए भी बहुत चीजें होती है कि आप क्या फोकस कर रहे हैं मैं हमेशा गुड लेंथ पे ज्यादा फोकस करता था कम कोशिश करता था कि बैट्समैन को ज्यादा ईजी रन ना मिले हमेशा हमेशा टाइट बॉलिंग मतलब टाइट बॉलिंग आप तभी कर सकते हैं एज ए स्पिनर जब आपको लेंथ पता हो बैट्समैन की बैट्समैन की क्या लेंथ है और गुड लेंथ पकड़ के मैं बॉल डालने का सोचता था प्लस बैट्समैन को मैं रीड करता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से कि अगली बॉल क्या होने वाली है तो मैं उसको उसको हमेशा रीड करने की कोशिश करता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और वो क्या चाहता है कि मैं क्या डालूंगा तो मैं उसके एक कदम आने की आगे रहने की कोशिश कर रहा था कि वो उसको वो बॉल ना दूँ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से तो यही मेरा क्लियर प्लान था बस बैट्समैन को रीड करना और उसके हिसाब से बॉलिंग करनी

और वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा विकेट था तभी मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था बट हाँ बहुत बहुत सारे विकेट लिए मैक्सवेल का विकेट भी काफी अच्छा था प्लस उसके बाद जब मैं अफगानिस्तान के गेस भी खेला था वो भी अच्छे विकेट थे दो विकेट निकाले थे गुलबुदीन और नबी का तो विकेट सारे अच्छे होते हैं बट मुझे लगता है हैरी ब्रुक अच्छे टच में थे पूरे वर्ल्ड कप में अच्छे रन बनाए उन्होंने स्पिन को अच्छा खेल रहे थे तो वो इम्पोर्टेंट मुझे विकेट लगा ऑब्वियसली आखिरी कुछ सवाल

तो उस टाइम मुझे मुझे लगा कि अब शायद गेम आ जाएगा अपने हाथ में बोलते विराट कोहली का वो पारी फाइनल में ऑब्वियसली पूरा टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था बट देन वी नो व्हाट अ ग्रेट बैटर विराट इज हैज बीन खास करके विराट का वो पारी इन द फाइनल और रोहित का वो दो नॉक्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल क्या कहना चाहोगे टू शा, शायद इसी शायद मुझे ऐसा लगता है शायद बड़े प्लेयर ऐसे ही होते हैं जब सिचुएशन डिमांड करती है उनसे परफॉर्म करने की वो परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली रोहित भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छे टच में रहे और तो उन, उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है सर हर मैचों में और विराट भाई जैसा कि आपने बोला कि रन नहीं उतने नहीं बन पा रहे थे बट फाइनल में जब टीम को जरूरत थी अब जब उनके हमारे तीन आउट हो गए थे बीस पे उसके बाद टीम को जरूरत थी कि, कि कोई एक प्लेयर ऐसा खेले लंबा सेवेंटी प्लस बनाए उस टाइम पे विराट भाई वो जो इनिंग खेली है वाकई मतलब अनबिलीवल इनिंग मतलब ऐसा ऐसा नहीं। लगता नहीं है बट वो अगर आप देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो इनिंग बहुत क्लास थी और जिस तरह से उन्होंने टीम को

बड़े प्लेयर ऐसे ही होते हैं जब सिचुएशन डिमांड करती है और परफॉर्म करते हैं तो उन बहुत खुशी हुई कि उन्होंने फाइनल में रन बनाए और उनके शायद रन से हमने अच्छा स्कोर बनाया और अभी तो जो दोनों ही नहीं रहेंगे टी फॉर्मेट में तो ये कितना बड़ा वॉइड होगा क्योंकि जो आगे का जो पीढ़ी है उनके लिए क्योंकि वो हमेशा से जो, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है अक्रॉस द फॉर्मेट्स

डोमिनेट किया है और आखिरी में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दिलाया है आप क्या मानते हो जसप्रीत बुमराह बाय फार इज द बेस्ट बॉलर अक्रॉस फॉर्मेट्स करंटली हंड्रेड अक्रॉस परसेंट आई मीन बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जसप्रीत जस्सी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं पिछले जितने सा, मेरे साथ ही स्टार्ट वो हमारा हम दोनों साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेले वो मेरे साथ पांच छह महीने पहले खेला स्टार्ट किया बट हाँ जिस तरह से उसने बॉलिंग करना स्टार्ट किया ऑब्वियसली आपको एक एक ऐसा टीम में बॉलर होता है जो आपको हम हर कंडीशन में हर फॉर्मेट में टीम के लिए हमेशा खड़ा रहता है और आप उसको बिलीव करते हो ट्रस्ट करते हो नो डाउट बहुत लकी है हम लोग जसप्रीत हमारी टीम में खेलता है और आ, जिस तरह से उसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है I mean, आ, मैं नहीं समझता उसके लिए उसकी उसकी प्रेज हमारी हमें पाँच छह साल से पहले से करनी चाहिए और अभी भी वो ऐसा ही के वैसा ही है जब भी जरूरत टीम को आता है अपना करता है 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 अपना बॉलिंग करता करता विकेट निकालता है, रन कंटेन करता है और एक एक ऐसा सॉलिड बॉलर हमें, हमारी टीम में रहता है तो हमें एज ए बॉलिंग यूनिट हम बहुत स्ट्रॉन्ग uh, फील करते हैं और uh, जिस तरह से वर्ल्ड कप में बॉलिंग की नो no डाउट uh, बहुत अच्छी बॉलिंग की बहुत ऐसे मैचेस से हमें गेम में वापस लाया पाकिस्तान हमें जो गेम में वापस लाया इवन फाइनल में जिस तरह से हम तीस बॉल पे तीस रन चाहिए थे जो उसने ओवर डाला चार रन का डाला शायद उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ क्लासन नेक्स्ट ओवर में आउट हुआ, फिर एक, फिर उसने लास्ट डाला, दो तो कहीं ना कहीं और हमें उसको जितना क्रेडिट देना देते हैं उस, देना चाहिए वो कमी है उसके लिए हमेशा वो उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहती है कुलदीप रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि उनका यही ख्वाहिश है कि और शायद मौका है कि और दो आईसीसी टाइटल्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और साथ ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी है तो आप आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली होपफुली यू विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दोस टू साइड्स तो क्या लगता है बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आईसीसी के दोनों टूर्नामेंट जीते और जितने भी प्लेयर हैं और पूरा ट्राई करेंगे और अच्छे अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहेंगे और सभी प्लेयर और उनके उनके करियर को तो हम मैं तो चाहता हूँ खेले सारे सीनियर प्लेयर खेलते रहें और क्योंकि एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई है और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ हमेशा बनी रहे पर हाँ अभी अभी एक साल की बात करें तो पूरी एज ए यंगस्टर मैं तो यंग इतना हूँ नहीं अभी बट अब बाकी सारे यंगस्टर टीम में आएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट भी जीते So that was Kuldeep Yadav exclusive on Rev Sports and he hopes that Spain goes on to make it to the final and go on to win the Euro Cup. So the, keep watching this space to get all the updates throughout the coverage of sports. This is me, Debasis for Rev Sports. Keep watching. Thank you.